इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट के अहम सुझाव के बाद आज मामले के याचिकाकर्ता और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है बड़ा बयान। स्वामी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मुताबिक दोनों पक्षों में आपसी सहमति ना बनी तो संसद से कानून बनाया जाएगा। स्वामी ने कहा कि 2018 में राज्यसभा में मोदी सरकार का बहुमत होगा और उसके बाद राम मंदिर बनाने के लिए संसद से कानून पारित कराया जाएगा। इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से बात की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। अयोध्या मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सर, आपने ये ट्वीट किया है कि राज्यसभा में जब 2018 में हमारा बहुमत आएगा तो हम लोग कानून बना करके मंदिर बनाएंगे। हाँ, कानून बना सकते हैं यदि उस तक समझौता नहीं होगा तो, क्यों कितने दिन हम समझौता के लिए इंतज़ार करेंगे। और यदि हम 2019 तक नहीं कर पाएंगे तो आप ही लोग फिर प्रचार करेंगे कि हमने कहा था कि मंदिर बनाएंगे और बना नहीं सके। लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि दोनों पक्ष मिल करके इसमें करें और मध्यस्थता। हम तो तैयार हैं, परंतु जिन लोगों ने कहा कि हम इस बातचीत में कोई विश्वास नहीं करते हैं, ये सब बेफजूल है, उसको कोर्ट ने सीधा सुनवाई करनी चाहिए, उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो, मुझे कह रहे हो। मैंने कहा कि आप बातचीत नहीं करोगे तो हमारे लिए रास्ता बहुत साफ है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले आपका ये कहना? क्यों नहीं, हमें अधिकार है संविधान में, तुम लोगों को अब संविधान पता नहीं है इसीलिए ऐसी बात करते हो। बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हमें अधिकार है संविधान में जो भी चीजें हैं उसके बारे में कहने के लिए, और मंदिर को लेकर के जो हमने बयान दिया है वो ठीक दिया है। दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। We'll be right back.